हेलो गाइस। तो आज मैं फुल स्क्रीन सेल्फी मोड पे आ गया। तो जिन्होंने मेरा अभी तक फेस नहीं देखा था, तो ये है मेरा फेस। जो भी हो, आज एक्चुअली मैं इस वीडियो पे अपना कुछ फीलिंग शेयर करूंगा और मैंने राइज ऑफ किंगडम्स को लेके कुछ डिसाइड किया है, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे कि थंबनेल पे मैंने ऑलरेडी शायद बता दिया कि क्या मैं राइज ऑफ किंगडम्स क्विट कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आंसर मैं आप लोगों को वीडियो पे आगे देता जाऊंगा। तो आज इस वीडियो को अगर हो सके तो थोड़ा टाइम निकाल के देखिएगा। बाय द वे, जो भी हो अभी तक देखिए, राइज ऑफ किंगडम्स मैंने अभी 2 साल ही हो गया। मैंने फरवरी के 22 फरवरी को शायद स्टार्ट किया था 2019 को। तो आज एक्चुअली कितना 18 फरवरी है, लेकिन शायद मैं ये वीडियो आज अपलोड नहीं करूंगा। अपलोड करते करते शायद 19, 20, 21, 22 भी हो सकता है। तो जो भी हो, तो 2 साल पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो ये अच्छा भी लग रहा है और देखिए सेठ सेठ जैसा भी लग रहा है। क्योंकि हाँ, ये सच है, मैं राइज ऑफ किंगडम्स अभी खेलना बंद करने वाला हूं। तो देखिए, मैं गेम्स आज पहली मतलब 2 साल से नहीं खेल रहा हूं। गेम्स, एंड्रॉइड गेम्स हो या पीसी गेम्स हो, मैं 2004, 5 या 6, ऐसा 5 या 6 से मैं पीसी गेम्स खेल रहा हूं। और उसके बाद मैंने एंड्रॉइड गेम्स भी खेलना स्टार्ट किया था 2012-13 को। एंड्रॉइड गेम्स खेलना स्टार्ट किया, तो इतने सालों पे मैंने काफी सारे गेम्स खेले और उनमें से राइज ऑफ किंगडम्स आप लोगों का मेन गेम्स में शामिल है। देखिए, काफी सारे गेम्स खेलते हैं हम लोग, आप भी खेल रहे होंगे, हम भी खेलते हैं। उनमें से सारे के सारे गेम्स पे आप लोग फोकस नहीं करते, आप लोग मेन गेम्स कुछ होते हैं। जैसे कि मेरा राइज ऑफ किंगडम्स था, इससे पहले मेरा पबजी था, उससे पहले मेरा था क्लैश ऑफ क्लैंस। तो ये तीनों गेम का एक चीज कॉमन है, जैसे कि राइज ऑफ किंगडम्स में 2019 के फरवरी पे स्टार्ट किया था और 2021 के फरवरी पे मैं अभी इसको क्विट करने वाला, 2 साल होने वाला है। वैसे ही पबजी मैंने 2017 को स्टार्ट किया था, 17 पे स्टार्ट करने के बाद मैंने 2019 को क्विट कर दिया। तो एग्जैक्टली डेट मालूम नहीं उसका मेरा, लेकिन क्विट करना फरवरी पे ही किया था। क्विट करके ही मैंने राइज ऑफ किंगडम्स स्टार्ट किया था। उसी तरह मैंने क्लैश ऑफ क्लैंस 2015 के आसपास स्टार्ट किया था और 2017 को क्विट किया। उसके बाद मैंने पबजी खेलना स्टार्ट किया। तो एक कॉमन है कि मैंने 2 साल में वो सब गेम्स छोड़ दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं राइज ऑफ किंगडम्स 2 साल हुआ इसीलिए छोड़ रहा हूं, और इसीलिए भी नहीं छोड़ रहा हूं कि राइज ऑफ किंगडम्स इंडिया पे बैन हो चुका है। तो अगर बैन होने की बात होता तो मैं दूसरा गेम राइज ऑफ किंगडम्स की तरह दूसरा गेम खेल लेता, जैसे कि राइज ऑफ एम्पायर्स आया था कुछ दिन पहले, और एज ऑफ एप्स, ये भी गेम राइज ऑफ किंगडम्स की तरह ही है। एग्जैक्टली राइज ऑफ किंगडम्स की तरह है, लेकिन उनका ग्राफिक्स अच्छा नहीं है, उनका आइकन्स अलग है, ग्राफिक्स अच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे वो गेम्स अच्छे नहीं लगे। तो सेम आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले पबजी खेला था, लेकिन फ्री फायर भी मैंने खेला था, लेकिन फ्री फायर मुझे अच्छा नहीं लगता है। उसका रीजन ये है कि आप लोग अगर फ्री फायर और पबजी को कंपेयर करके देखेंगे तो फ्री फायर का ग्राफिक्स इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पबजी का ग्राफिक्स काफी अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो गेम मुझे खेल के भी अच्छा लगता है। और प्लस आप लोग फ्री फायर और पबजी का देखेंगे तो फ्री फायर पे आप लोगों का काफी सारे गन स्किन, ये करेक्टर, ये सब वो सब, ये सब के ऊपर डिपेंड करके आप लोगों का क्या होता है, पावर होता है, आप लोग कैसा खेलेंगे। अगर आप लोग प्रो भी होते हैं लेकिन बिना स्किन्स के जाएंगे, बिना करेक्टर्स के जाएंगे, तो शायद आप लोग गेम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन पबजी में पूरी तरह से आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खेलेंगे, आपका स्किल क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मुझे पबजी ज्यादा अच्छा लगता है फ्री फायर के मुकाबले। लेकिन फ्री फायर भी मैंने खेला, लेकिन फ्री फायर में इतने दिन नहीं खेला था जितने मैंने दूसरे गेम्स खेला था। और प्लस मैंने मोबाइल लेजेंड्स भी खेला था, लेकिन मोबाइल लेजेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मैंने 2 साल नहीं खेल पाया क्योंकि वो मैंने पिछले साल ही स्टार्ट किया था और अभी मैं गेम क्विट कर रहा हूँ। बाय द वे, फ्री फायर लवर्स आप लोग बुरा मत मानिए, मैंने फ्री फायर मुझे मतलब इतना अच्छा नहीं लगता है और पबजी अच्छा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो आपके लिए अच्छा है, ये इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी का बुरा ही कर रहा हूँ। मुझे बस पबजी ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए उसके बारे में बोला। और एमएलबी भी मुझे अच्छा लगता है, मोबाइल लेजेंड्स वो काफी अच्छा लगता है, उसका ग्राफिक्स भी अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे मतलब खेल के भी मजा आता है और उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं एक एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो कि राइज ऑफ किंगडम्स के साथ रिलेटेड है। तो राइज ऑफ किंगडम्स को आप लोगों को पता ही होगा कि राइज ऑफ किंगडम्स कम्युनिटी पे काफी बड़ा बवाल मच रहा, अभी भी मच रहा है और पहले भी मच रहा था।
जो कि है F2T वर्सेस पे टू विन। तो इसको लेके मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो F2P वर्सेस पे टू विन है, यहाँ पे देखिए गेम्स क्या होता है, गेम्स खेलने के लिए होता है और गेम्स पे जो चैलेंजेस होता है उसके लिए हम लोग खेलते हैं। हम लोग देखिए, मैं थोड़ा लकी था इसीलिए मेरा जो स्टार्टिंग का किंगडम था, एक्चुअली मैं अभी भी सेम किंगडम पे हूँ। जो किंगडम था, जो जिस अलायंस पे मैं था, जिस अलायंस पे मैं अभी भी हूँ, वो काफी अच्छा था। तो वहां पे मुझे काफी सारे गोल्डन चेस्ट, फ्री फ्री के सारे चीजें मुझे मिल जाता है। तो इसके वजह से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ज्यादा प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं किया। लेकिन काफी सारे प्लेयर जो कि अच्छे अलायंस पे नहीं होते, वो लोग काफी सारे प्रॉब्लम फेस करते, जैसे कि काफी सारे चीजें नहीं मिलते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग गेम आप लोग मजा नहीं ले पा रहे। गेम पे आप लोग मजा कैसे लेंगे, गेम को आप लोग खेल के मजा लेना पड़ता है। गेम पे आप लोग डेवलप करके अपने आप को डेवलप करेंगे, अपना स्ट्रेटेजी बिल्ड करके आप अपना स्थिति को बनाएंगे, अपना पावर को अपग्रेड करेंगे, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे, अपना कमांडर्स को अच्छे से चूज करेंगे, कमांडर्स को अच्छे से बिल्ड करेंगे। ये सब है गेम का मजा। इस गेम का मजा ये है, आप लोग फार्मिंग करेंगे, आप लोग मतलब गेम पे जो करना होता है उससे आप लोग मजा लेते हैं। लेकिन जो पे टू विन वर्सेस F2P बोल रहे हैं और जो काफी सारे लोग हाँ डिमांड कर रहे हैं, काफी सारे डिमांड्स सही है, लेकिन काफी सारे डिमांड्स सही नहीं भी है। अभी मैं उसके बारे में डिटेल्स में बात नहीं करने वाला हूँ। लेकिन देखिए, गेम अगर आप लोगों को खेलना है ना, आप लोग गेम को मजा लीजिए, गेम पे जो मजा है उसको लीजिए। गेम पे आप लोग क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उसके ऊपर आप लोग बने मत रहिए। अगर आप लोगों को गेम खेलना है तो गेम पे जो है आप लोगों के पास उससे आप लोग क्या कर सकते हैं वो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, ना कि क्या आप लोगों को नहीं मिल रहा है उस पर। ओके, तो मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताना मतलब बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अगर इसके बारे में ज्यादा बात किया तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बाद में देखिए, अभी क्या मैं YouTube शो छोड़ रहा हूं? तो एक्चुअली मैं YouTube शायद YouTube नहीं छोड़ूंगा। तो हो सकता है मैं कंटेंट चेंज कर दूं, कुछ दूसरा आइडिया लगा के मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि देखिए मेरा व्यूज इतना ज्यादा आते नहीं, लेकिन जितने भी आते हैं 50, 100, 150, 200, 300 जितने भी व्यूज आते हैं मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, 2, 4, 10 कमेंट्स आते हैं, वो पढ़ के अच्छा लगता है आप लोगों का कमेंट्स। मुझे काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आए हैं अभी तक, लेकिन देखिए नेगेटिव कमेंट आते हैं तो मैं उनको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। लेकिन पॉजिटिव कमेंट्स, ज्यादातर पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं और आप लोग जब क्वेश्चन करते हैं या फिर कुछ अच्छा बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं हो सकता है कि वीडियोस आगे भी बनाऊंगा, दूसरी तरह का वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो बनाऊंगा और इतने व्यूज से मैं संतुष्ट हूँ। ओके, तो आप लोग मेरा ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ये हो सकता है कि मेरा आखिरी तक शायद कोई नहीं देखे, लेकिन मुझे वीडियो बना के अच्छा लगता है, डाल के यूट्यूब में डाल के अच्छा लगता है, इसीलिए मैं डालता हूं। ओके, तो अभी मैं बात करता हूं, अगर आखिरी बात जो कि मेरा, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यूट्यूब में मैं कितना अर्निंग करता हूं, काफी सारे पैसे शायद अर्निंग कर लिया, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इधर आप लोग देख पाएंगे, शायद मैं स्क्रीन दे दूंगा यहाँ पे रिकॉर्ड करके कि कितना मैंने अर्निंग किया है। तो अभी तक मैंने $100 भी यूट्यूब से अर्निंग नहीं किया, और यूट्यूब से आप लोग पैसा अगर उठाना चाहते हैं तो आप लोगों को $100 अर्निंग करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग पैसा उठा सकेंगे। तो $100 होने के बाद मतलब 7,000 रुपया होगा। तो अभी तक $100, 7 मतलब 7,000, 60,000 नहीं, आप लोग लूडो के मूवी के तरह मतलब समझ मत लीजिएगा। ओके, तो अभी तक मैंने $100 भी यूट्यूब से अर्निंग नहीं किया है। तो जो भी हो, मैंने यूट्यूब में अर्निंग के लिए, हाँ अर्निंग के बारे में सोचा था मैंने, लेकिन अर्निंग नहीं हो पाया क्योंकि मैं यूट्यूब में इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, यूट्यूब में इतना अच्छे तरह से मैंने यूट्यूब में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने अर्निंग नहीं कर पाया। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी जो हूँ जैसा हो उससे ठीक हो। और बाय द वे, अभी आखिरी बात कि मैं यूट्यूब में एक्चुअली सॉरी यूट्यूब नहीं, राइज ऑफ किंगडम्स क्यों छोड़ रहा हूँ, एक्चुअली मैं गेम्स ही क्विट कर रहा हूँ। तो शायद मैं कोई गेम ही नहीं खेलूंगा अभी, ये हो सकता है, क्योंकि देखिए लाइफ में अभी मेरा उम्र देखिए 26 ईयर्स हो गया है और अभी तक मैं इतना कुछ बड़ा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और मेरा कुछ अलग एम्स है,
कुछ दूसरे आइडियाज है, कुछ मतलब लाइफ के साथ कुछ और करना है, तो उनके बारे में सोच के मैंने गेम को क्विट करने की डिसीजन लिया है। तो गेम्स में क्विट कर दूंगा, गेम खेलना छोड़ दूंगा। हो सकता है थोड़ा बोरा मैं खेल सकता हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं वापस भी आऊँ अगर मेरा एम कंप्लीट नहीं हो, या फिर कंप्लीट होने के बाद मैं हो सकता है कि वापस आ जाऊँ। लेकिन अभी के लिए तो एटलीस्ट मैं गेम छोड़ रहा हूँ और मैं अपने जो मेन एम्स है उन पे फोकस करूंगा। ओके, तो इतना बोलने के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ, मतलब परमानेंटली नहीं, लेकिन गेम्स से, ये राजा किंगडम से मैं विदा लेना चाहता हूँ। और इसमें बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि 2 साल हो गया और 2 साल में मैंने काफ़ी एंजॉय किया है, गेम पे काफ़ी एंजॉय किया है, काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बनाए हैं, तो उनको भी छोड़ना पड़ेगा। जो भी हो, अभी देखिए कोई भी अच्छा चीज़ जाना पड़ता ही, एक एक ना एक दिन तो चला जाता है। तो आज मेरा मतलब गेम भी चला जाएगा, आज नहीं जाएगा 22 को ही जाएगा, मैंने मतलब पूरा 2 साल एनिवर्सरी मनाना है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं। इसके साथ पीरोगेन करते हैं, बाय।